घर से ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ कुछ ना तुझी शपथ माझ्याकडे तर यायचं ना आखी तुला बोलली थोडी एजेड आहे थोडी बोलली तुला प्रिंट काढून आहे तर काढून यायलाच पाहिजे ना असं थोडी तिला नाही थोडी बोलू शकतो यार तू 10 बजे तक मुझे रुका के रख दे तुम लोग तो क्या मतलब है मेरा 7:30 बजे आकर हाँ तो भाई मेरे पास जब कुछ कंटेंट नहीं होता या तो फिर मुझे कुछ पता नहीं होता कि कल क्या करना है कल क्या शूट करना है तो बस मैं सिंपली यहाँ से वहाँ से या और कभी बारिश गिरती है तो भी बस यहाँ पर ऐसे खड़े रह के कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ कि क्या कंटेंट बनाऊँ और क्या करूँ मतलब इधर घूमने जाना है तो क्या कर सकता हूँ क्या मतलब जो भी कर सकता हूँ बस यहाँ पर ही खड़े रह के मैं बस डिसाइड करता हूँ बस अभी भी वही कर रहा था तो अभी कैसे अपना 15 दिन का जो चैलेंज चल रहा है वो चल रहा है तो उसमें अभी मुझे कंटेंट है ही नहीं कुछ करने के लिए मतलब अभी पता नहीं ना कि एवरीडे क्या निकालूं तो बस वही सोच रहा था कि अभी 3 दिन का तो हो गया ये 14 दिन है अभी चालू तो कर दिया ऐसी बस अभी सोच रहा था तो वो सोचा कि ठीक है वो भी बता ही देते मतलब जो हो रहा है वो बताना अपना काम ही है बट अभी कुछ सोच रहा था कुछ आइडिया आया नहीं है बस वो थोड़ा वीडियो के लिए मैंने ऐसा वैसा टाइम पास कर लिया और कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा मैं लिटरली ना मेरे घर से ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ कुछ ना कुछ सोचने में और कुछ ना कुछ आइडिया मुझे मिल जाता है और टाइटल थंबनेल सब सब मेरा इधर ही होता है बस एडिटिंग घर पे होता है और सब बाकी के शूट तो आपको पता है आधे से तो ज्यादा कॉलेज में होते हैं और आधे से ज्यादा किधर ट्रैवलिंग पे जाओ तो तभी होते हैं बट अभी फिलहाल कुछ मिला नहीं है बट कल क्या शूट करना है पता नहीं बट अभी शुरुआत हो गई है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ये 4th दिन में और ट्रैक अपनी चल रही है मतलब प्रॉपर चल रही है गाड़ी अपने ट्रैक पर प्रॉपर चल रही है 4th दिन चालू हो गया 3 दिन में ब्लॉग बना भी दिया तो अभी आगे क्या क्या होगा पता नहीं बट कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा अभी फिलहाल सीरियसली कुछ सोचता हूँ ये भी सीरियसली सोच रहा था बट सीन ऐसा था कि वीडियो भी चल रहा था और कुछ मिल भी नहीं रहा था और बारिश भी हो रहा था तो कोई नहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कल क्या करना है वो देखता हूँ क्योंकि पता नहीं भाई कुछ भी हो सकता है ब्लॉगिंग में पता है कि जो होता है वो दिखाना होता है बट कुछ ना कुछ ना ऐसा स्क्रिप्टेड भी करना पड़ता है स्क्रिप्टेड इन द सेंस मीन आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ भाई ये करूँगा वो करूँगा हाँ अगर उसमें कुछ फ्लो फ्लो में हो जाए तो वो अलग बात है बट कुछ ना कुछ तो डिसाइड करके रखना पड़ता है भाई ऐसे ही नहीं कि ऐसे उठ गए और कुछ ना कुछ बना लिया मेरे केस में ऐसे नहीं कुछ ना कुछ थोड़ा तो डिसाइड करना पड़ता है बाकी का तो कोई नहीं बाकी का फ्लो फ्लो में हो जाता है बस बारिश जाने का ही वेट कर रहा था अभी फटाफट जिम जाता हूँ हो रहे कुछ 7:30 तो जिम जाता हूँ और कभी कभी पता नहीं चलता है कि पूरे दुनिया भर के कौवे बस विक्रोली में आ गए या मेरे घर के बाहर है मतलब जब भी मैं देखूँ यहाँ पर खड़े रहूँ तो भाई बस कौवे चिल्लाते ही रहते हैं मतलब आप ना मेरे कौन से भी दोस्त को या किसी से भी पूछ लो मैं कभी कभार इधर ही फोन पे बोलता हूँ तो सब यही बोलते कि कितने कौवे आवाज कर रहे हैं यार बट मुझे भी नहीं समझ में आता कि पूरे कौवे इधर ही आ गए या क्या सीन है अभी भी जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था ना तो मुझे बहुत सारे रीटेक लेने पड़े क्योंकि वो आवाज ना आई इसीलिए बट फिर भी कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है क्या ही कर सकते भले अभी ये बहुत टाइम पास हो गया इधर ही तो अभी जाता हूँ जिम और फटाफट कुछ मार के फिर मिलता हूँ आपको तो भाई मैं आता तो हूँ मेरी मर्जी से बट घर जाता हूँ मैं इसके और करण के मर्जी से मतलब मैं 7:30 बजे तो आ ही जाता हूँ जिम में बट 8:30 तक मेरा ख़त्म हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 तक बट इन लोग मुझे 10 बजे तक रुका के रखते हैं भाई ये इन लोग अलग ही सीन चल रहता है अभी तो फिलहाल करण नहीं है करण को कुछ काम आया था इसीलिए वो गया जल्दी गया आज और नहीं तो भाई दोनों मुझे मतलब ये टच दे वो टच दे मतलब टच के लिए रुका के रखते 10 बजे तक ये ऐसे दलिंदर मिले मुझे बट क्या ही कर सकते ना बचपन के दोस्त से कुछ बोल भी नहीं सकते कुछ बोल सकता हूँ तुझे वही तो बोल रहा हूँ अभी 5 महीने ज़्यादा जिम कर लिया इसने मेरे से तो बहुत दम आ गया इसको मार भी नहीं सकते दोनों भी दोस्त है बचपन के बट बॉडी बीडी यही बना रहा है मतलब कुछ भी हो जाए बॉडी बीडी यही बना रहा है गाइस इन लोगों के टच के वजह से हाँ अरे 8:30 बजे तक तो मेरा ख़त्म हो जाता है एक तो 10 बजे तक मुझे रुका के रख दे तुम लोग तो क्या मतलब है मेरा 7:30 बजे आकर हाँ मतलब आता हूँ मैं मेरी मर्जी से जाता हूँ तुम लोग के मर्जी से यही चल रहा है बस पिछले एक हफ्ते से किस काम का यार दोस्त किस काम का जो जिम में काम ना इतनी बड़ी बैग मतलब इसमें तो तीनों जगह का सामान गिर जाए मेरा करण के पापा का और तेरा इतनी बड़ी बैग मतलब वही बॉटल हो जो भी मैं तो बस देख बॉटल लेके आता हूँ और एक रुमाल ये तो बस अभी व्लॉग कर रहा हूँ इसीलिए तेरे हाथ में दिया हूँ वो तो बॉडी बिल्डर लोग की पहचान होती है बैग
अच्छा ये इतना बड़ा, फिर कुछ काम नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बॉटल रहेगी। अबे रहने दे, ये फुटेज खाने का काम कर रहा है तू, अगर तू एक दो महीने और रुक जा फिर तेरे को बताता हूँ मैं पैसा वैसा क्या रहता है। अभी एक ही हफ्ता हुआ है ना मैंने चालू किया है। आज की शुरुआत ही बुरे सपने से हुई है, तो पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा, बट ऐसे ही चल रहा है कुछ आजकल, पिछले दो तीन दिन से। हेलो कौन बोलते है? रॉन्ग नंबर। जानवीचा फोन बाहेर येऊन आलो, जानवीचा फोन आहे। आता घरी नाही जाऊ शकत ती, काय हालत होत असेल आता त्या जान्हवीची तिकडे। अक्षसा ना हा फोन कधी घेऊन आला मला पण नाही माहिती तिचा, पण आता मला माहिती पडलं जेव्हा फोन आला। आता कॉल यायच्या आधी ना तुझी फाटली असेल, शोधत असेल इकडे तिकडे कुठे गेला आई शपथ। एवढा माझा जातो तर माझी फाटते, तो तर आयफोन जातोय ब्रो, फाटणारच कुणाची। चला तर सीधा कॉलेज सर। आवाज काय एवढा वाढला त्या बाईकचा? माहित नाही रे, पैसा जास्त येतोय वाटत। हा नाही रे बाबा, पैसा जास्त आहे भाई तुझ्याकडे भाई। ऍडसन्स भाई महिन्याला मला देतो 15 करोड, बस नाहीत काय? तुझं चालू ना झालं? नाही रे अजून, कधी चालू होणार? अजून 700 सबस्क्रायबर पाहिजे, त्याच्यानंतर करायला। जान्हवी माझ्याकडे फोन नाही आहे, पाहिजे तू माझी बॅग चेक कर। माझ्याकडे जान्हवी तुझी शपथ, खोटं बोलत असेल तर तू मरशील। पण तुला कळतंय का, तू मॅम समोर शिवी दिली आहे मला, तुझ्यावर भरोसा नाही, तुमच्या दोघांवरती भरोसा नाही दिला। शिट, अरे चैन पण तोडली। हेच जर का मी केलं असतं ना, माझ्याकडून पैसे घेतले असते, माझ्याकडे तर यायचं नाही। अरे माझी बॅग नाही बाबा, ह्याची बॅग आहे, ह्याच्याकडून मी तुझी बॅग घेऊन आलोय ना बाबा। तो विक्रोळीला राहतो, तो माझा मित्र आहे। आता सोड, मला फोन नको। बघ बघ सोड बघ, मी ना आता रूल बघायचं, ज्या हातात पैसे असले ते तुझे शंभरची नंतर काय करणार, काय गेले मग नोटवर ठीक आहे, पैसा पैसा असतो, पैशाची किंमत नाही ना। अभी बज रहे 1:20, एक्चुअली मीटिंग 10-15 मिनट में खत्म हो जाती, बट कल इवेंट है इसीलिए थोड़ी लंबी चली। बट एनीवेज कल इवेंट है, वो कल का कल देख लेंगे, आज थोड़ी कुछ प्लानिंग कर ली है। बट इस चक्कर में मैंने सिद्धेश को स्टेशन पे रुका के रखा है, इनसे लेक्चर तो 9 बजे ख़त्म हो गया था, बट 9 से 10 या 10:30 बजे तक उसका कुछ काम था तो वो रुका था, बट उसके बाद से अभी तक उसको रुका के रखा है। वो बहुत कंटल गया है, बट स्टिल अभी उसको जाके मना था, वो गुस्से में थोड़ा, बट ऑफकोर्स यार इतना रुका के रखा हूँ इसीलिए, बट वो भी मुझे कभी कभार रुका के रखता है, इसीलिए मैंने भी आज रुका के रख दिया उसको। सीन काय झाला माहिती आहे, एक तिथे काकी होती, ती ॲडमिशन करायला आली होती, तर तिने बोललं अरे बाळा थोडं प्लीज प्रिंट काढून आणणार, म्हणून मी ते प्रिंट काढायला गेलो। आता ती काकीला कसं नको बोलू यार, कोणच नाही बोलत नव्हते, जेव्हा बोलत ना मला 15 मिनिटात। तू डोंबोलीला काय करायला गेला होता? कल्याणला काय करायला? फिरायला, मला सोडून मला सांगितलं पण नाही, असं निर्लज्ज पाळून काय मला बोलला? तुम्हाला नाही बोलला फिरायला चाललाय? हा मग कॉल करून बोलायचं, कॉल लावायची गोष्ट पण आहे। बोल, आलास आलास काय? आता आलो असतो, आलो
आपण उद्या मीटिंग हे अरे उद्या इव्हेंट आहे, उद्या जमदार इव्हेंट आहे, डिस्कस नाही करू शकत मी. पण आज डिस्कस खूप भारी झालं. अरे तू आता काकी तुला बोलली थोडी एजेड आहे, थोडी बोलली तुला प्रिंट काढून आहे तर काढून यायलाच पाहिजे ना. असं थोडी तिला नाही थोडी बोलू शकतो यार. आणि काढायला माहित नाही आपल्या प्रिंटच्या इकडे गर्दी असते मग. आता ती बोलते मला काढून मी नाही काढून नाही येऊ शकत. पण काय काम होतं अशीच काम वगैरे. मेरी है ने गोड़ी चुलबुली करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे मेरे मीस अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना.